नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर धौलपुर से। बीती रात चोरों ने शहर की पीएनबी बैंक में सेंध लगाकर चोरी के वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बैंक के सिक्योरिटी फीचर्स मजबूत होने की वजह से चोर बैंक से बिना चोरी किए बैरंग लौट गए। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह बैंक में पहुंची निहालगंज पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआवना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बैंक के मैनेजर रोहितास ने बताया कि शनिवार को छुट्टी होने के बाद सभी लोग बैंक बंद करके चले गए। बीती रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में एक युवक ने बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बैंक की सिक्योरिटी फीचर की वजह से चोरी चोर वारदात अंजाम नहीं दे पाए। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक सीसीटीवी बंद करने के बाद में चोर के साथी अंदर घुसे थे, जिन्होंने चोरी का प्रयास किया है। ब्रांच धूलकोट में जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक अटेम्प्ट था जिसमें किसी प्रकार की कोई केस को नुकसान नहीं हुआ और हमारे पास जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं उनमें एविडेंस कैप्ट है। हमने HSO साहब को प्रोवाइड करा दिया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है, टेक्निकल और मैनुअल दोनों। बैंक के द्वारा हम गार्ड उपलब्ध कराते हैं, प्लस जो स्टाफ रहता है वो भी अवेलेबल। कितने गार्ड तैनात हैं हमारे यहाँ पर? अभी गार्ड तैनात नहीं है, लेकिन जो मैनिंग रहती है वो दिन में रहती है। ठीक है, रात्रिकालीन कोई व्यवस्था नहीं है? टेक्नोलॉजी किसी अज्ञात आदमी ने पीछे से विंडो को काट के एंटर हुआ है वो, और उसने अंदर आने के बाद उसने हमारे सीसीटीवी के वायर काट दिए थे, जिससे आगे के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे जो भी रिपोर्ट है वो नियरेस्ट थाना अलियालगंज में दर्ज करा दिया है, और कोई किसी टाइप का कैश लॉस नहीं हुआ। ये संडे की नाइट। संडे।